गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत पाइनस के तने की आंतरिक संरचना और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ को स्टडी किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं पाइनस की जो पर्ण होती है वह भी कैसी निडिल शेप, उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। मैंने आपको जो पाइनस की मॉर्फोलॉजी बताई थी या पाइनस की जो प्लांट बॉडी की जो बाह्य संरचना बताई थी, उसमें हमने देखा था कि जो पाइनस होता है वह बहुशाखित प्रकृति का प्लांट होता है और उसकी शाखाएं एक तो मेन स्टेम होता है और उस मेन स्टेम से एक तो सीमित वृद्धि वाली शाखा और एक असीमित वृद्धि वाली, दोनों ही प्रकार की शाखाएं देखने को मिली थी। और जो असीमित वृद्धि वाली शाखाएँ होती हैं वह तो मेन स्टेम से निकलती हैं और साथ ही जो सीमित वृद्धि वाली शाखाएं होती है वह असीमित वृद्धि वाली शाखाओं से या मेन स्टेम से भी निकल सकती हैं। और जो दोनों ही प्रकार की शाखाएं हैं उन पर तो हमने शल्क पर्ण देखी थी और केवल जो प्रकाश संश्लेषी पर्ण थी वह सीमित वृद्धि वाली शाखा के शीर्ष भाग पर ही निडिल समान संरचना के रूप में हमें दिखाई दी थी। तो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि जो पाइनस का जो प्लांट होता है इसमें दो प्रकार की पर्ण देखने को मिलती है। एक तो कौन सी, प्रकाश संश्लेषी पर्ण या प्रकाश संश्लेषी पर्ण और दूसरी थी शल्क पर्ण, स्केली लीफ, फोटोसिंथेटिक लीव एंड स्केली लीफ या स्केली लीव्स। जो स्केली लीव्स थी वह तो कहाँ पर पाई जा रही थी, पाइनस की जो दोनों ही प्रकार की शाखा थी या पाइनस की जो प्लांट बॉडी थी उसकी ऊपरी सतह के ऊपर पाई जा रही थी, जबकि जो प्रकाश संश्लेषी पर्ण थी वह ओनली कहाँ पर पाई जा रही थी, जो पाइनस की जो सीमित वृद्धि वाली शाखा है उसके शीर्ष भाग पर निडिल समान संरचना के रूप में उपस्थित थी। जैसे ये कोई पाइनस की प्लांट बॉडी है और इसमें क्या है, बहुत सारी शाखाएं उपस्थित हैं। इन शाखाओं पर क्या पाई जाती थी, यहाँ पर असीमित वृद्धि वाली शाखाएं उपस्थित होती थी। इन असीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर तो क्या पाई जाएगी, केवल शल्कपर्ण पाई जाएगी और इनके ऊपर तने के ऊपर जो सीमित वृद्धि वाली शाखाएं थी इनके शीर्ष भाग पर ऐसी निडिल समान संरचना के रूप में पर्ण उपस्थित थी। तो जो ये असीमित वृद्धि वाली शाखाएँ होती है जिनके ऊपर केवल प्रकाश संश्लेषी पर्ण पाई जाती है उस शाखा को पर्ण स्पर या लीफ स्केयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्ण स्पर। किसे कहा जाता है, जो सीमित वृद्धि वाली शाखा के ऊपर प्रकाश संश्लेषी पर्ण पाई जाती है तो उस सीमित वृद्धि वाली शाखा को पर्ण स्पेयर या लीफ स्केयर भी कहा जाता है। अब जो ये पर्ण स्पर होती है, इस पर क्या लगी हुई रहती है, प्रकाश संश्लेषी पर्ण लगी हुई होती है। अब प्रकाश संश्लेषी पर्ण की संख्या के आधार पर इनकी बाह्य आकृति का हम पता लगा सकते हैं। जैसे किसी एक असीमित वृद्धि वाली शाखा के ऊपर अगर एक ही प्रकाश संश्लेषी पर्ण उपस्थित है तो उसकी जो आकृति होती है वह गोलाकार आकृति की होती है। जैसे यह कोई पाइनस का स्टेम है, यहाँ से असीमित वृद्धि वाली शाखाएं निकल रही है और इस पर क्या लगी हुई है, सीमित वृद्धि वाली शाखाएं लगी हुई हैं। अब जो सीमित वृद्धि वाली शाखा के ऊपर क्या पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषी पर्ण पाई जाती है जो कि निडिल समान संरचना के रूप में उपस्थित होती है। अगर यहाँ पर केवल एक ही पर्ण उपस्थित है तो अगर हम इसकी TS काटेंगे या इसकी ब्लेड की सहायता से इसकी TS का हम अध्ययन करेंगे तो ये बाह्य आकृति में कैसी दिखाई देगी, गोलाकार आकृति की या वृत्ताकार आकृति में हमें नज़र आएगी। और अगर मान लिया जाए यहाँ पर दो प्रकाश संश्लेषी पर्ण उपस्थित है केवल एक ही सीमित वृद्धि वाली शाखा के ऊपर, तो अगर इनकी TS काटेंगे हम तो
तो टीएस कैसी दिखाई देगी? अर्धचंद्राकार आकृति की दिखाई देगी। जैसे अगर एक प्रकाश संश्लेषी पर्ण है तो उसकी बाह्य रूपरेखा कैसी दिखाई देगी हमें? गोलाकार आकृति की। अगर यहाँ पर दो हुई तो कैसी दिखाई देगी? अर्धचंद्राकार आकृति की। एक पर्ण की जो बाह्य आकृति ये जो या इसकी बाह्य मोर्फोलॉजी दिखाई देगी या बाह्य रूप से हमें दिखाई देगी वह कैसी दिखाई देगी? अर्धचंद्राकार आकृति की। ऐसे ही दूसरी लिप की हमें अर्धचंद्राकार आकृति की दिखाई देगी। अगर हम में यहाँ पर तीन पर्ण मिलती है तो अगर इनकी टी एस काटेंगे तो वह कैसी दिखाई देगी? त्रिकोणाकार आकृति की दिखाई देगी। जैसे ये पर्ण असीमित वृद्धि वाली शाखा है, अगर उसके ऊपर तीन प्रकाश संश्लेषी पर्ण लगी हुई है तो ये कैसी दिखाई देगी हमें? त्रिकोणाकार आकृति की दिखाई देगी। एक प्रकाश संश्लेषी पर्ण की आंतरिक संरचना ये है, दूसरी की ये है, ये और तीसरी की ये है, और यह अलग अलग स्पीसीज को शो करती है। इनकी जो आंतरिक संरचनाएँ हैं या इनकी जो बाह्य आकृति है आउटर लेयर लेयर में, या इनकी जो रेखांकित आकृति है बाह्य वाली आकृति, इसके आधार पर हम पाइनस की स्पीसीज का पता लगा सकते हैं। अगर पाइनस की जो प्रकाश संश्लेषी पर्ण है उसकी जो बाह्य आकृति अगर गोलाकार हमें दिखाई देती है तो उससे हम स्पीसीज का पता लगा सकते हैं। यह कौन सी है? पाइनस की जो पाइनस जो मोनोफिला स्पीसीज है उसकी पर्ण की आंतरिक संरचना है। अगर अर्धचंद्राकार आकृति की दिखाई देती है तो वह है पाइनस सिल्वेस्ट्रिस की। अगर त्रिकोणाकार आकृति की दिखाई देती है तो वह होती है पाइनस लॉन्गिफोलिया की या पाइनस रॉक्स बर्गाई में। अगर पाइनस वेलीचियाना की हम बात करें तो पाइनस वेलीचियाना में यहाँ पर जो यह असीमित वृद्धि वाली शाखा है इसके ऊपर पांच पर्ण लगी हुई दिखाई देती हैं, तो ये बाह्य रूपरेखा में हमें कैसी दिखाई देगी? तो यहाँ पर जो 360 डिग्री का एंगल है इसमें पांच का भाग लगा दीजिए, ऐसे तो त्रिकोणाकार आकृति की दिखाई देगी, परंतु जो ये एंगल होगा वो यहाँ पर कम हो जाएगा। अगर हम पाइनस लॉन्गिफोलिया के या पाइनस रॉक्स बर्गाई के निडिल की आंतरिक संरचना के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी आंतरिक संरचना में हमें विभिन्न प्रकार के पोर्शन दिखाई देते हैं। जो इसका जो आउटर पोर्शन होता है वह एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के पश्चात हाइपोडर्मिस वाला पोर्शन होता है, फिर हाइपोडर्मिस के पश्चात मेसोफिल सेल्स होती है, फिर मेसोफिल सेल्स के बाद जो वेस्कुलर रीजन है वह वाला पोर्शन होता है। आउटर पोर्शन कौन सा है? एपिडर्मिस वाला। उसके बाद पाई जाती है इसमें हाइपोडर्मिस जो मोटी भित्ति युक्त होती है, इसके बाद पाई जाती है मेसोफिल सेल्स का पोर्शन, और मेसोफिल सेल्स के पोर्शन के बाद एंडोडर्मिस या पेरिसाइकल से घिरा हुआ पोर्शन इसका वेस्कुलर रीजन वाला होता है। तो अगर हम प्रत्येक पोर्शन की बात करें तो जो पाइनस की निडिल होती है इसमें सबसे बाहर की ओर हमें क्या दिखाई देगी? एक स्तरीय एपिडर्मिस हमें दिखाई देगी, और उस एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पर क्यूटिकल का मोटा आवरण होता है, और एपिडर्मिस में ही दसे हुए रंध्र उपस्थित होते हैं जिन्हें कहा जाता है सनकन स्टोमेटा। यहाँ पर जो आपको ये रंध्र दिखाई देते हैं इन्हें कहा जाता है सनकन स्टोमेटा। एपिडर्मिस कैसी है? एक स्तरीय है और इसके ऊपर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है, और एपिडर्मिस में कहीं जगह पर हमें दसे हुए रंध्र मिलते हैं जिन्हें सनकन स्टोमेटा कहा जाता है। और इन सनकन स्टोमेटा का कार्य क्या है? प्लांट्स में होने वाली वाष्पोत्सर्जन की कमी को कम करने का कार्य करते हैं, क्योंकि जो ये पाइनस है ये कैसा प्लांट्स है? एक जीरोफाइटिक प्लांट्स हैं, और जीरोफाइटिक होने के कारण वहाँ पर पानी की कमी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिस कारण पानी की पानी को वाष्प के रूप में उड़ने से रोकने के लिए इनमें सनकन प्रकार के या गर्ती स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो ये कर ली हमने इसकी एपिडर्मिस की बात, जो इसकी पूरी आउटर सतह पर उपस्थित
होती है। एपिडर्मिस के पश्चात जो पोर्शन होता है उसे कहा जाता है हाइपोडर्मिस वाला पोर्शन कहा जाता है। ये दो से तीन स्तरीय क्षेत्र होता है और किनारों पर जो ये हाइपोडर्मिस वाला जो पोर्शन होता है, इसका ये किनारा, इसका ये किनारा, यहाँ पर हाइपोडर्मिस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा इनकी परतें पाई जाती हैं। और इस हाइपोडर्मिस होती है वह कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, वह बनी हुई होती है स्क्लेरेन काइमेटा सेल्स से या मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं से। और जो यह हाइपोडर्मिस होती है यह कई पैचेज या खंडों के रूप में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सनकन स्टोमेटा था ये सनकन स्टोमेटा नीचे की ओर एक सब स्टोमेटल कैविटी में खुलता है या उपरंध्रीय गुहिका में खुलता है, जो इस हाइपोडर्मिस को कई खंडों के रूप में बांट देता है। मतलब हाइपोडर्मिस यहाँ पर हमें पैचेज के रूप में दिखाई देगी। और हाइपोडर्मिस में ही या हाइपोडर्मिस के नीचे वाले पोर्शन में ही यहाँ पर या कहीं जगह पर हमें सलेस रेजिन डक्ट दिखाई देती है या रेजिन नलिकाएं दिखाई देती है, जिनकी जो आंतरिक संरचना होती है या जिनकी संरचना होती है तने में पाई जाने वाली रेजिन डक्ट के समान ही होती है। जैसे तने में कैसी पाई जा रही थी, जैसे ये कोई रेजिन डक्ट है, इसके बाहर की ओर क्या पाया जाता है, दो स्तरीय मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है। ये दो स्तरीय आवरण है और इसकी जो आंतरिक सतह है वह एक स्तरीय पेरेनकाइमेटा सेल्स से या स्त्रावी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, जो कि रेजिन का स्त्रवण करने का कार्य करती है। और ये रेजिन नलिका या रेजिन कैनाल कहाँ पर पाई जाती है, हाइपोडर्मिस वाले पोर्शन में या हाइपोडर्मिस वाले पोर्शन के ठीक नीचे जहाँ से मेसोफिल वाला टिश्यू स्टार्ट होता है। तो ये कर ली हमने हाइपोडर्मिस की बात। अब इसके बाद का जो ये पोर्शन है, ये पूरा ही पोर्शन केवल वेस्कुलर रीजन को छोड़कर पर्ण का जो अधिकांश भाग होता है वह मेसोफिल सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। और मेसोफिल सेल्स हमें यहाँ पर खम्भ ऊतक और स्पंज ऊतक के रूप में नहीं दिखाई देगी। जितनी भी जो मेसोफिल सेल्स होगी वह एक ही प्रकार की यहाँ पर पाई जाएगी। और यहाँ पर जो मेसोफिल जो कोशिकाएँ होती है इनमें स्टार्च ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर हमें ज़्यादा मात्रा में दिखेगा, क्योंकि ये कैसी कोशिकाएँ, प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएँ, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसका निर्माण करती है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। इसी कारण इनमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा मात्रा में और स्टार्च ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब जो पाइनस की जो निडिल होती है या इसकी जो पर्ण की आंतरिक संरचना होती है, इसमें खास बात यह होती है कि इन मेसोफिल कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति होती है वह खूंटी नुमा अंतर्वलित होती है। जैसे ये कोई कोशिका है, इस कोशिका की जो आंतरिक भित्ति होती है, क्योंकि कोशिका में क्या पाई जाती है, प्लांट सेल्स में सेल वाल पाई जाती है और सेल वाल भी प्राथमिक वाल, सेकेंडरी वाल, टर्शरी वाल ऐसे पाई जाती हैं, तो इनकी जो आंतरिक भित्ति होती है वो उसमें ऐसे खूंटी नुमा अंतर्वलन या इनकी जो आंतरिक भित्ति होती है वह अंदर की ओर बलित होती है, जो इस कोशिका के सरफेस एरिया या सतही क्षेत्रफल में वृद्धि करने का कार्य करती है। क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा जो पाइनस में जो ये पर्ण पाई जा रही है ये कैसी है, एक सुई की आकृति की है। तो यहाँ पर जो सुई की आकृति है, सुई कितनी पतली होती है, तो इसका क्षेत्रफल तो ऐसे ही रिड्यूस हो गया और इतने से कि क्षेत्रफल में इसे पूरा काम करना है, कोशिका का फूड बनाना है, विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक रिएक्शंस करनी है। तो इसकी कोशिकाओं में यह एक प्रकार का अडप्टेशन हो जाता है। क्या अडप्टेशन हो जाता है, इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है वह अंदर की ओर अंतर्वलित हो जाती है, जिसके कारण यह सरफेस एरिया में वृद्धि करती है। और सरफेस एरिया में वृद्धि हो जाती है तो विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक क्रियाएँ या प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएँ होती हैं उनको यहाँ पर सतही क्षेत्रफल मिल जाता है। तो मेसोफिल कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, अंतर्वलन पाए जाते हैं या खूंटी नुमा अंतर्वलन पाए जाते हैं, जिनके सरफेस एरिया में वृद्धि करने का कार्य करती है। अब मेसोफिल सेल्स के बाद क्या पाई जाती है, यहाँ पर एंडोडर्मिस पाई जाती है, जो कि डोलकाकार कोशिकाओं की या बेलनाकार कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। और इन डोलकाकार कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, इनकी जो अरीय भित्तियाँ होती हैं यहाँ की,
इनमें स्थूलन पाए जाते हैं या कैस्पेरियन स्ट्रूप्स का या इनकी हरिय भित्तियों पर कुछ ना कुछ पदार्थों का जमाव पाया जाता है, जिसे लिग्निन का या जो भी पॉलीसेकेराइड पदार्थ है उनका यहाँ पर जमाव पाया जाता है। अब जो ये एंडोडर्मिस है, इसके पश्चात होती है पेरिसाइकल, क्योंकि जो वेस्कुलर रीजन वाला जो पोर्शन है वह किससे गिरा हुआ होता है, यहाँ पर पेरिसाइकल से गिरा हुआ होता है। और पेरिसाइकल यहाँ पर बहुस्तरीय प्रकृति की होती है, और पेरिसाइकल में भी यहाँ पर हमें तीन प्रकार की कोशिकाएँ देखने को मिलेगी। एक तो कौन सी, एक तो पेरेनकाइमेटस सेल्स, ये कहाँ पर पाई जाती है, पेरिसाइकल की कोशिकाओं में ही पाई जाती है। मतलब पेरिसाइकल की जो कोशिकाएँ हैं उसमें तीन प्रकार की कोशिकाएँ देखने को मिलेगी। एक तो पेरेनकाइमेटस सेल्स जो कहाँ पर उपस्थित होती है, इसके यहाँ पर पूरे ही पेरिसाइकल वाले पोर्शन में पाई जाती हैं, जो कि स्टार्च का या जो कार्बोहाइड्रेट जो पदार्थ हैं उनका स्टोरेज करने का कार्य करती है। और पेरेनकाइमेटा सेल्स के बाद पाई जाती हैं ट्रेकिडियल सेल्स या वाहिनिकीय कोशिकाएं, जो यहाँ पर इसका यहाँ पर जो जाइलम होता है, इस जाइलम के आसपास यहाँ पर जो पेरिसाइकल की कोशिकाएं वो कौन सी होगी, ट्रेकिडियल सेल्स या वाहिनिकीय कोशिकाएं होगी, जो कि जाइलम से क्या लेगी, जल को या खनिज लवणों को लेकर मेसोफिल कोशिकाओं को प्रदान करने का कार्य करती हैं। और थर्ड प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है फ्लोएम के पास, जिन्हें कहा जाता है, जैसे ये फ्लोएम है, इसके पास यहाँ पर थर्ड प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है एल्ब्यूमिनस सेल्स। ये तो ट्रैकिड सेल्स रही, और यहाँ पर पाई जाती है एल्ब्यूमिनस सेल्स, जो कि मेसोफिल कोशिकाओं में जो भी भोज्य पदार्थ या जो भी कार्बनिक पदार्थ बने हैं उनको फ्लोएम को स्थानांतरित करने का कार्य करती है। तो हमें पेरिसाइकल में तीन प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलेगी, एक तो पेरेनकाइमेटा सेल्स जो कि स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट या जो कार्बनिक पदार्थ है उनका स्टोरेज करने का कार्य करती है। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं कैसी है, ट्रेकिडियल सेल्स या वाहिनिकीय कोशिकाएं, जो कहाँ पर पाई जाती है, जाइलम के आसपास पाई जाती है, जो कि जाइलम से जल व खनिज लवणों को लेकर मेसोफिल सेल्स को प्रदान करती हैं। और एल्ब्यूमिनस सेल्स वो कहाँ पर पाई जाती है, फ्लोएम के आसपास वाले एरियाज में पाई जाती हैं, क्योंकि मेसोफिल कोशिकाओं से जो भोज्य पदार्थ है या जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको फ्लोएम को देने का कार्य करती हैं। तो यहाँ से हम एक पॉइंट यह कह सकते हैं कि जो ट्रेकिडियल सेल्स होती है या वाहिनिकीय कोशिकाएं होती है, ये यहाँ पर किसका निर्माण कर देती है, संचरण ऊतकों का निर्माण कर देती है, क्योंकि जाइलम से पर्ण के जो पाशवीय भाग होते हैं इनको वाटर और खनिज लवणों की आपूर्ति प्रदान करने का ये कार्य करती है। अब जो यहाँ पर पेरिसाइकल में तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसके अलावा एक अनादर प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती है जिन्हें स्क्लेरेनकाइमेटल सेल्स भी कहा जाता है। और वह स्क्लेरेनकाइमेटल सेल्स यहाँ के वेस्कुलर बंडर के ऊपर यहाँ पर एक टी आकृति के ग्रीडिल का निर्माण कर देती हैं। कौन सी कोशिकाएं, स्क्लेरेनकाइमेटल सेल्स, जो किसका निर्माण करती है, टी आकृति के ग्रीडिल का निर्माण कर देती हैं। तो हमने क्या क्या पोर्शन देखा, एक तो एपिडर्मिस वाला पोर्शन देखा, इसके बाद हाइपोडर्मिस वाला पोर्शन देखा, उसके बाद हमने मेसोफिल क्षेत्र देखा, उसके बाद एंडोडर्मिस देखा, और उसके बाद पेरिसाइकल देखा। अब लास्ट का जो पोर्शन बच रहा है वह बच रहा है इसका वेस्कुलर रीजन। अब जो ये वेस्कुलर रीजन है इसमें वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, और वेस्कुलर बंडल में हमें जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेगा। अब जो ये वेस्कुलर बंडल है वह पाइनस की अलग अलग स्पीसीज में इनकी संख्या अलग अलग पाई जाती है। जैसे पाइनस मोनोफिला की बात करें तो यहाँ पर केवल एक ही वेस्कुलर बंडल हमें दिखाई देगा। अगर हम पाइनस रॉक्सबर्गाई या पाइनस लॉन्गिफोलिया की बात करें तो यहाँ पर हमें दो वेस्कुलर बंडल दिखाई देगा। तो पाइनस लॉन्गिफोलिया में कितने वेस्कुलर बंडल दिखाई देंगे, हमें दो वेस्कुलर बंडल दिखाई देंगे। और वेस्कुलर बंडल के ऊपर क्या है, यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटस टी आकृति का ग्रीडिल या टी आकृति की मेखला है। और वेस्कुलर बंडल में क्या है, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम उपस्थित हैं। फ्लोएम इसके जो उत्तल या जो इसकी कॉन्वेक्स सतह है
वहाँ उधर की तरफ होगा या इसकी ऊपरी सतह की ओर होगा, और जो जाइलम होगा वह इसके त्रिकोणाकार या इसका जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पर जाइलम हमें देखने को मिलेगा। और दोनों ही के बीच में क्या उपस्थित होता है, यहाँ पर कैम्बियम उपस्थित होता है, इसी कारण इन्हें ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। और जाइलम में क्या देखने को मिलेगा हमें, जाइलम पेरेन्काइमा और चालनी नलिकाए। और फ्लोएम में क्या देखने को मिलेगा हमें, एक तो थोड़ा बहुत मात्रा में फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये थी साइकस की जो नीडिल थी या साइकस की जो पर्ण थी उसकी आंतरिक संरचना। थैंक यू।